सीजीएल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं जो कि हिस्ट्री से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वो जो फॉर्म हुए थे वो पुणे में हुए थे 12 जून 1905 में बाई गोपाल कृष्ण गोखले। पुणे मतलब महाराष्ट्र में, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन जो ऑप्शन होगा वो है जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, महाराष्ट्र में जून 12, 1905 में। कहाँ पे? पुणे में हुए थे ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी वॉज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ, इसमें से कौन से इंसान के लेखन से प्रभावित थे महात्मा गांधी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लियो टॉल्स्टॉय हुए एक ऐसे इंसान जिसके लेखनी से प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी। लियो टॉल्स्टॉय के बहुत सारे बुक्स उन्होंने पढ़े थे, जैसे वॉर एंड पीस है, द किंगडम ऑफ गॉड एट्सेट्रा। तो लियो टॉल्स्टॉय हुए ऐसे इंसान जिसके लेखनी से महात्मा गांधी प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन, द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रास बुद्धिज्म, मतलब अशोक कौन से मॉन्क के द्वारा प्रभावित हुए थे बुद्धिज्म की तरफ, कि बुद्धिज्म को अपना धर्म बना लिए थे वो, कौन से मॉन्क थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपगुप्त। उपगुप्त 3rd century के एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, और ये जो उपगुप्त के बारे में जो पता चला है, ये अशोकवर्धना नाम का एक संस्कृत टेक्स्ट है, उसमें से उपगुप्त नाम का जो बुद्धिस्ट मॉन्क है जिसकी वजह से अशोका ये बुद्धिज्म के तरफ आए थे, तो इसके बारे में पता चला अशोकवर्धना से। एंड वो एक स्पिरिचुअल टीचर थे, अशोका। ये थर्ड सेंचुरी के एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोदी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई, ये जो लोदी डायनेस्टी है ये सुल्तानी युग के हैं, सुल्तानी एरा के हैं, जो लास्ट एम्पायर थे आफ्टर सैयद के बाद ये लोदी डायनेस्टी आए थे। ये एक अफगानी ये ट्राइब है, दिस इज द अफगानी ट्राइब, ओके, ये एक अफगानी ट्राइब है जो 1451 दिस टाइम में आए थे। तो ये जो लोदी डायनेस्टी फाउंडेड बाय, आंसर होगा बोहलोल लोदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हर्षवर्धन को किसने हराया था? ऑप्शन बी, पुलकेशी द सेकेंड। एक्चुअली उन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था वो नर्मदा नदी के पास हुआ था। वो 618 से 619 का टाइम था, बीच का टाइम था। यहाँ पे जो नर्मदा रिवर है ना, वो इन दोनों की जो पुलकेशी पुलकेशी
सेकेंड एंड हर्षवर्धन के जो राज्य के बॉर्डर में थे ये नर्मदा नदी, तो इसी के यहाँ पे इसी के पास जो युद्ध हुआ था उसमें हर्षवर्धन हार गए थे। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन इलिटरेट, कौन इसमें से कौन से सम्राट इलिटरेट थे, जो जिसे लिखने का कोई ज्ञान नहीं था, जो पढ़ते लिखते नहीं थे, पढ़ नहीं सकते थे, इलिटरेट कौन थे? ऑप्शन सी, अकबर ने कभी पढ़ना लिखना सीखा ही नहीं है, क्योंकि उन्हें 13 साल की उम्र में उनका राज्य संभालना था तो वो पढ़ लिख नहीं पाए थे। उनके पापा के उनका जब 13 साल का उम्र था उनका पापा का डेथ हो गया था, तो डेथ के बाद उनको राज्य संभालना पड़ा 13 साल की उम्र था, 13 ईयर्स ओल्ड जब उनको उनका राज्य का भार लिया गया था, लिए थे उन्होंने। 1556 का टाइम था, 56 से 1605 तक ये टाइम उन्होंने अपना राज्य को एक अलग ही दिशा दी थी, अलग ही। तो ये अकबर को उस टाइम पढ़ने लिखने का कोई टाइम ही नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सिंपल, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौसी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसने स्टार्ट किया था वो और कोई नहीं लॉर्ड डलहौसी है। ये लॉर्ड डलहौसी जो है वो गवर्नर जनरल थे उस टाइम में, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। वो टाइम है 1848 से 1856 के बीच, 1856 के बीच जब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसने स्टार्ट किए थे। इस टाइम में लॉर्ड डलहौसी जो थे वो गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्यस कोर्ट, कौन थे ग्रीक एम्बेसडर जिनको चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में सभा में भेजा गया था? ऑप्शन सी मेगास्थेनेस। मेगास्थेनेस एक ऐसा एम्बेसडर है, ये किसका एम्बेसडर था पता है? सेलुकस निकटर के एम्बेसडर थे। ये सेलुकस निकटर के एम्बेसडर थे जो कि जिनको चंद्रगुप्त मौर्य के सभा में भेजा गया था। जो चंद्रगुप्त का सभा जो थे वो पाटलिपुत्र में थे, पाटलिपुत्र में थे, ठीक है। और ये टाइम है 302 से 298 BC। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द यूरोपियन पावर फ्रॉम होम शिवाजी ऑप्टेन कैनन्स एंड एम्यूनिशन। ओके, कैनन्स एंड एम्यूनिशन, शिवाजी कौन से यूरोपियन पावर से ये लिए थे, है ना क्वेश्चन है? तो इसका आंसर होगा द पोर्तुगीज। पोर्तुगीज ऐसे थे जिसे शिवाजी ने कैनन्स एंड एम्यूनिशंस लिए थे। किस लिए लिए थे? टू अटैक इंग्लिश, ब्रिटिश को अटैक करने के लिए। छत्रपति शिवाजी वॉज द मोस्ट फेमस, मराठाओं में से सबसे फेमस थे ये शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, जिसके पास बहुत करेज था,
बहुत बहुत साहसी थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया इंग्लिशों के खिलाफ। इनफैक्ट सिर्फ इंग्लिशों के खिलाफ नहीं, वो तो मुगलों के खिलाफ भी अकेले ही 100 के बराबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉल ऑफ बैक टू वेदर्स। बैक टू वेदर्स, वेदों की ओर। ओके, वेदों की ओर। ये जो स्लोगन है बैक टू वेदर्स, ये और कोई नहीं स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती टाइम 1864 में, ओके 1864 में अपना वैदिक स्टडीज़ जो था वो कंप्लीट करके वो इंडिया ट्रैवल कर रहे थे, तो उसी टाइम उन्होंने ये स्लोगन दिए थे। उसी टाइम 1864 में उन्होंने अपना वैदिक स्टडीज़ कंप्लीट किया। 1864 में अपना वैदिक स्टडीज़ कंप्लीट करके जब उन्होंने 1874 में इंडिया ट्रैवल कर रहे थे, तब उस टाइम उन्होंने ये स्लोगन दिया। ये स्लोगन दिया है बैक टू वेदर्स। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगे। तो अगले वीडियो के लिए लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करते हैं हमारे चैनल को।